रामाचार्य सुंदर सक्सेना, मैं माँ लक्ष्मी ज्योति सिद्धार्थ संस्थान से, और मेरे साथ ये मुंबई से आई हूँ मैं पल्लवी। ये मुंबई से पल्लवी जी हैं जो हरिद्वार आई हैं मुझसे मिलने हैं, और ये खुद बताएंगी कि इन्होंने मेरे साथ जैसे 3 साल से जुड़ी हैं और क्या एक्सपीरियंस। हाँ, 3 साल से मैं जुड़ी हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सब उपाय करती हूँ, सब उपाय मेरे को फले और अभी तक करती हूँ, राग दीप जो भी है सब फले। मेरी बहू को भी, मेरी बेटी को भी मैंने सब करवाया, इनका बोला हुआ सब फले, सब अच्छा हुआ, मैं सब करती हूँ। और मैंने सब चीजें भी, बहुत सारी चीजें भी उनसे ली है, स्टोन वगैरह, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष सब लिए है, सिद्ध करके सब अच्छा फलित रहता है। और मेरा पैसा फंसा था एक जगह, उन्होंने मेरे को उपाय बताया, मैंने किया तो आ गए पैसे। और मेरे घर में पोता भी आया, मैंने कुछ एक उपाय किए थे, अच्छा सब अच्छा अनुभव है, सब अच्छा है। मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड के भी पैसे, मेरे पैसे भी कहाँ फंसे हुए थे, मैंने उपाय किया तो सब अच्छा हो गया, सब पैसे भी आ गए, सब धीरे धीरे सब अलग से हो गया, और बेटा भी आ गया, सब अच्छे खुशी से। मैं सब उपाय करती हूँ, सब अच्छे से रहते हैं। पैसे नहीं मिल पा रहे थे, उसके से इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, कुछ उपाय बताए थे, कुछ चीज़ें बताई थी। और यही नहीं, इनकी जो बहू है उसको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये जो बता रही है कि इनके पोता हुआ, वो मेरे कुछ उपाय मैंने बताए थे उसी से इनके पोता हुआ है, और साथ में इनका कुछ लाखों रुपये कहीं फंस गया था जैसे कि बता रही हूँ, और उसके लिए भी इन्होंने मुझसे लगातार पूजा ली थी, और साथ में कुछ स्टोन्स वगैरह सामग्री जो भी थी उनको फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ में रेगुलर इनके बेटे की एक कहीं पे कुछ काम अटक गया था, वो जॉब का काम भी था, बिजनेस का, खुद का कंपनी खोला था, तो बिजनेस के लिए भी मैं उपाय कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, इनकी की हुई वो भी अच्छी हुई। तो ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस है, और आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जुड़े रहिए और विश्वास रखिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस संध्या जी को फॉलो करो, उनके कहे हुए उपाय करो, उनका सुनो, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, भगवान सबका भला करेगा।